रामटेक विकास योजना को लेकर दूसरे चरण में राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार के द्वारा बजट में 211 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है। राज्य सरकार के द्वारा पेश किए एक बजट में रामटेक के विकास के लिए 211 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा को लेकर पूर्व विधायक डी मल्लिका अर्जुन रेड्डी ने पत्रकार परिषद के माध्यम से जहां वित्त मंत्री अजित पवार का आभार माना है, वहीं अयोध्या की धरती पर अगर विकास करना है तो रामटेक के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की मांग राज्य सरकार से की गई है। रामटेक स्थित किराड़ भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में पूर्व विधायक ने बताया कि 211 करोड़ की राशि में रामटेक गढ़ मंदिर परिसर के लिए एक रुपया भी नहीं दिया गया है। ज्ञात हो कि कामठी विधानसभा में स्थित कोराडी क्षेत्र में 500 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं। अब 150 करोड़ के बाद 211 करोड़ को लेकर नागरिकों में चर्चा का विषय बना है। आने वाले कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। जनता रामटेक का विकास चाहती है। वाकई में विकास की गंगा रामटेक वासियों को देखने मिलेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री माननीय अजित पवार जी का और सभी मंत्री गण लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी रामटेक विधानसभा क्षेत्र से मनोपूर्वक उनको अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। जल्दी जल्दी 211 करोड़ का निधि उन्होंने उपलब्ध कराया, काम गति से हो और 211 करोड़ से काम होने वाला नहीं है। कम से कम लोगों की मांगनी है, लोगों का जो विविध सुविधा है, जन सुविधा, यात्री सुविधा, इतर मांगों को देखते हुए कम से कम रामटेक अयोध्या के धरती पे अगर करना है विकास, कम से कम रामटेक तीर्थ क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ रुपए। महान्यूज 7 के लिए राकेश मर्जीवे की रिपोर्ट, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहां आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे।